रीवा के लिए रेलवे ने एक और ट्रेन की सौगात दी है। भोपाल में विंध्य क्षेत्र के बीच सफर करने वालों की संख्या लाखों में है, जिसको लेकर लगातार यात्रियों को रीवा जाना या आना पड़ता है और इसी के चलते कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पहले एक ही ट्रेन थी, लेकिन अब एक और ट्रेन चलने वाली है। लोग बहुत खुश हैं। हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर ने यात्रियों से बात की है जब आज ट्रेन पहली बार चली। क्या कुछ कहना है उनका, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, विशेष ट्रेन चल रही है और यात्री खुश हैं, ये हमने रंग दिखाया आपको। साथ में हम ये भी पता चल जो अंदर बैठे हुए यात्री, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्या खुशी है उनको और उनके लिए इस ट्रेन का क्या महत्व है, ये हम उनसे जानेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रीवा जा रहा हूँ, वाइफ के साथ दोनों रीवा ही जा रहे हैं और रीवा में रहते हैं हम लोग। और ये जो दूसरी ट्रेन चली है, इसके पहले एक और चल रही थी रिवांचल नाम से, तो उसमें बड़ी रस रहती थी, रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, जनरल बोगी की तो अलग ही बात है। लेकिन ये दूसरी जो ट्रेन चली है, इससे बड़ी खुशी हो रही है कि हो गया, अब इतनी परेशानी नहीं होगी पैसेंजर्स को, कम से कम सीट तो मिल जाएगी जाने के लिए। प्राइवेट बसों से परेशानी होती है, आपको किस तरह की सुविधा लग रही है कि इस ट्रेन के चलने से क्या मिलेगा यात्रियों? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये है कि बीच में ट्रेन नहीं बदलनी पड़ेगी, डायरेक्ट रीवा पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी तो दो दिन चल रही है, आपको लगता होगा कि इसको तो सातों दिन चलाना चाहिए? हाँ, चलाना चाहिए बिल्कुल। इस तरफ बताइए कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो रीवा जा रहे हैं। रीवा जा रहे हैं, रीवा जा रहे हैं। विशेष ट्रेन सौगात की तरह है? बिल्कुल बिल्कुल, विशेष ट्रेन सौगात की तरह बहुत अच्छा है और इसके चलने से काफ़ी जो भीड़ होती थी रेवांचल में, वह भीड़ थोड़ा कम हो जाएगी और इसके चलने से काफ़ी लोगों को सुविधाएँ मिल जाएंगी। हाँ, एक युवा भी बैठे हुए हमारे बीच, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए थोड़ा सा आप बाहर निकलिए ताकि जो है आपसे बात की जा सके। क्या लगता है आप कहाँ, भोपाल में पढ़ते हैं? नहीं, मैं भोपाल एक विशेष काम से आया था थोड़ा सा, और आज मुझे विगत काफ़ी दिनों बाद रेलवे को लेकर काफ़ी खुशी हुई है कि मैंने IRCTC का साइट खोला और मुझे कोई ट्रेन की 266 सीटें खाली मिली और मैंने तुरंत रिजर्वेशन किया। काफ़ी अच्छी सौगात और काफ़ी नई सौगात, और ऐसी सौगातें हमारे लिए होती रहनी चाहिए। विशेष इनको दो दिन ना चलाकर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन चलाया जाना चाहिए। रेलवे काफ़ी कुछ बेहतर करने जा रहा है, रेलवे अपनी सुविधाओं में विस्तार कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उनमें भी सुधार होना चाहिए। और ये जो ट्रेन है वाकई एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये उस पूरे बेल्ट के लोगों को, वहाँ के जिलों के लोगों को लगता है कि अब उनकी कनेक्टिविटी राजधानी से बढ़ गई है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विस्तार न्यूज़ के लिए।